उड़ रहा था, ये अभी भी इंडिया में एक ही है, ऐसे कॉपी आपको मिल जाएंगे। और ये 15 इंच है, और ये भी हमने मतलब ये वेलवेट लगाया हुआ पूरे रूफ पे, और ये देखें रूफ बिल्कुल ब्लैक किया हुआ भैया ने, वेलवेट लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से होने चाहिए। तो आज को हम एक और बार नई वीडियो लेके, आज कोई व्लॉग नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत टाइम से मैं आपको राइड की वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज मैं एक गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, और वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड हुई है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही गाड़ी है। तो चलते हैं वहीं पर बिना टाइम वेस्ट किए, तो व्लॉग को पूरा देखें, व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है। चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे, ये है गाड़ी जिसके आज हमें वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है डीवी मॉडिफिकेशन भैया की अपनी शॉप है, ये मॉडिफाइड करते हैं। ये है अपने ऋतिक भाई, क्या हाल है आपका, और ये है अपने डीवी भाई, इनकी अपनी मॉडिफिकेशन की शॉप है। तो लिंक में मैं आप इनका एड्रेस और इनका यूट्यूब चैनल है वो भी सेंड कर दूंगा। तो आपको अगर कोई गाड़ी मॉडिफाई करनी है तो आप यहाँ पे आके आराम से मॉडिफाई करा सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए भैया से इन्फॉर्मेशन लेंगे गाड़ी के बारे में, चलते हैं गाड़ी के पास। ये है वो गाड़ी जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ, ये मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है, 2018 मॉडल, पेट्रोल में है, और ये टॉप मॉडल लेके भैया ने फुल मॉडिफाई की है, बहुत ज्यादा मॉडिफाई की है। ये सिर्फ नाम से स्विफ्ट है, पर इसमें जो मॉडिफिकेशन हुई है ऐसा लगता नहीं कि ये स्विफ्ट गाड़ी है। तो कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं कि हम इसको कह सकते हैं ओनली वन इन इंडिया, वो भी आपसे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट में इसका बम्पर चेंज हुआ है, ये ABS किट वाला बम्पर लगा है आफ्टर मार्केट, इसमें भी भैया ने काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन की है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ये प्रोजेक्टर लाइट लगाई है, हाई बीम लो बीम दोनों चलते हैं इसमें। और ये जो लाइट है ये मेड इन ताइवान है, ताइवान से इम्पोर्ट करा के भैया ने इसमें भी मॉडिफिकेशन की है, इम्पोर्ट करा के फिर भी मॉडिफिकेशन करके इसमें प्रोजेक्टर है, LED है, इंडिकेटर है, तीनों चीजें हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको स्कटर और स्प्लिटर भी मिलते हैं। ये भैया ने गाड़ी काफी ज्यादा डाउन की हुई है, इसमें कोबरा की सस्पेंशन लगी हुई है, वो भी बताएंगे आपको। तो भैया ने गाड़ी बहुत ही ज्यादा लो की हुई, आप यहाँ से देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी ज्यादा लो है, सिर्फ दो उंगलियों का फिंगर्स का फर्क है गाड़ी में। तो बात करते हैं साइड में, तो पूछते हैं भैया से इसमें क्या क्या हुआ है साइड, बोलो। तो भैया साइड में जो साइड मिरर हमारे आते हैं रियर व्यू मिरर, इसमें हमारा यह कि ये हमने हाइड्रो ड्रिप कराए हैं, अच्छा ठीक है प्रोजेक्ट, और हमारे ये इंडिकेटर चेंज है, कंपनी देती है सिंपल इंडिकेटर, इसमें DRL भी चलेंगे और रनिंग इंडिकेटर भी चलेंगे, वो आगे आपको बताते हैं। और उसके बाद हमारे जो बम्पर है उसके साथ आती है साइड कटिंग, फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर, और स्प्लिटर में भी 5 साइड स्प्लिटर आता है दोनों साइडों का, फ्रंट के भी, और इसको आप जितना बाहर रखना चाहो अंदर रखना चाहो, मैंने बिल्कुल एंड पॉइंट पर लगाया, बिल्कुल एंड में रखा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते, इससे बाहर और स्प्लिटर नहीं लग सकता। बात करते हैं इसके पीछे वाली साइड, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन है, तो भैया बताएंगे एक एक चीज। तो ये है तो हमारा था सबसे पहले आफ्टर मार्केट, इसमें स्पॉइलर 70% इसमें थे टॉप के फीचर, 30% है सेकंड टॉप की, ऑप्शनल मॉडल है ZXi टॉप मॉडल है भैया ने लिया हुआ, तो उसमें भी मॉडिफिकेशन टॉप हो गया हमारा ZXi प्लस, ये ZXi था ऑप्शनल एक स्टेप नीचे, ठीक ठीक, बट टॉप के फीचर थे इसमें, एक दो चीजें कम थी। ये हमारा ऊपर आ गया रूफ स्पॉइलर, ये आ गया डिक्की स्पॉइलर, ये अभी भी एंड के में एक है, और एक और स्विफ्ट मैं सेम लुक में तैयार कर रहा हूँ व्हाइट कलर में, और सेकंड उसमें लगने वाला डिक्की स्पॉइलर। ओके, तो ये भी ABS वाला है ना? हाँ, ये ABS में आएगा, ये ABS। उसके बाद ये आ गया हमारा बम्पर किट का, बॉडी किट का बैक बम्पर, इसमें डबल टिप आता है, डबल टिप आप डीजल अगर गाड़ी है उसका ऑन करा सकते हो, पेट्रोल में ऑन नहीं करा सकते क्योंकि पेट्रोल में वाल्वट्रॉनिक लगना होता है, ऑन ऑफ वाला सिस्टम, तो आपका पेट्रोल टैंक बीच में आ जाएगा, डीजल में सिर्फ स्ट्रेट पाइप आनी होती है, आप दोनों वर्किंग कर सकते हो। तो ये पेट्रोल वाला तो इसका एक वर्किंग है, एक वर्किंग नहीं है। इसमें एग्जॉस्ट कौन सा लगा हुआ है? वाल्वट्रॉनिक का, वाल्वट्रॉनिक लगा हुआ, फुल किट एग्जॉस्ट होगा इसमें, वो ऑन ऑफ वाला है ना जो बटन से। तो उसके बाद बात करते हैं भाई ने जो टेल लैंप है ये भी चेंज की हुई है, टेल लाइट आती है, ये मतलब हमने एक कंसेप्ट था कि हमने स्पोर्ट्स में तैयार करनी थी, स्पोर्ट्स मॉडल आता है, अच्छा। तो बम्पर किट भी स्पोर्ट्स मॉडल वाली है, ये भी स्पोर्ट्स मॉडल का, फ्रंट लाइट भी स्पोर्ट्स मॉडल की है, ये भी स्पोर्ट्स की है, ये भी आपने इम्पोर्ट कराई है? हाँ, ये भी बाहर की स्पोर्ट्स की लाइट इम्पोर्ट हुई है, और ये अब इंडिया में हो गया, मतलब 4-5 पीस नहीं तो जिस समय डाली थी तब एक ही था उस समय भी। तो ये भी भैया ने काफी ज्यादा मेहनत की हुई है, हर चीज इंपोर्ट करा के गाड़ी तैयार की हुई है, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी हुई भैया की, पैसों की तो बात छोड़ो मेहनत भी बहुत ज्यादा लगी है। तो बात करते हैं हम साइड पे, तो साइड पे सबसे पहले जो हमारी नजर जाती है वो है अलाइज पे, तो भैया अलाइज की वगैरह स्पेसिफिकेशन बताएंगे। कंपनी ने हमें अलाय दिए थे 15 इंच,
हम इन फ्यूचर 16 में गए थे, मतलब पहले पास्ट में, बट हमें ये अलॉय चाहिए थे डिजाइन, क्योंकि स्पोर्ट्स में ये डिजाइन आता है और ये स्विफ्ट स्पोर्ट्स में आपको डिजाइन मिलेगा या फिर निसान की GTR में डिजाइन मिलेगा जो कंपनी देती है। तो ऐसे बाहर से आप डला सकते हो। ये ओरिजिनल डिजाइन हमने बाहर से इम्पोर्ट कराया था, ये अभी भी इंडिया में एक ही है, ऐसे कॉपी आपको मिल जाएंगे। और ये 15 इंच है और ये भी हमने मतलब लेके इंपोर्ट करा के बॉडी कलर कराया, इसमें भी हमने कस्टम किया था। तो भैया अभी भी कह रहे हैं कि ये अभी तक इंडिया में एक ही है, अब क्या पता किसी ने मंगा लिया हो, नहीं कह सकते, पर गारंटी है कि अभी तक भी भैया बोल रहे हैं कि एक ही है इंडिया में। इन्होंने बाहर से 100% श्योर हूं अभी भी ये पूरे इंडिया में एक ही है कंपनी का अलॉय जो बाहर से इंपोर्ट हुआ। तो ये बाहर से मिल जाएगी, हाँ कॉपी मिल जाएंगी, ये रेज के हैं तो काफी बढ़िया है। और भैया बोल रहे हैं कि इन्होंने बाहर से इंपोर्ट कराया है, तो काफी ज्यादा। और इन चारों टायरों में टायर सेंसर लगे, आपके फोन में पता लग जाएगा टायर गर्म है या फिर हवा ज्यादा हो गया, हवा कम हो गया, कुछ भी अगर टायर को होता है गर्म ठंडा या हवा कम ज्यादा, आपके टायर में नोटिफिकेशन आएगी। सेंसर ये लगे हुए हैं चारों टायरों में, स्टपनी को छोड़ के सेंसर चारों टायरों में लगे हैं, जो हमारे SUV वगैरह में फीचर आता है वो सब कुछ है इसमें टायरों में फीचर। तो अब करते हैं इसके अंदर की बात। तो भैया ने स्टार्ट कर ली है गाड़ी, गाड़ी में बैठते ही ऐसा लगता है कि इंसान जमीन पे बैठ गया। तो ये है कुछ इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर में आप देख सकते हो कि मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ सीट कवर हमने डाले थे, ऑटोमेटिक सीटें मतलब लगा लो, ये कंपनी की है, बाकी इंटीरियर में मतलब सब कुछ है कंपनी का, मतलब सब कुछ अपना टेस्ट के अनुसार सब कुछ चेंज कर दिया इसका। आप सबसे पहले आप स्टेयरिंग देखोगे, स्टेयरिंग कंपनी डी कट देती है, इसका डी कट आता है, बट हमने इसमें कटिंग कुटिंग करके ये हाइड्रोडिप किया जो स्पोर्ट्स में आता है। ये हाइड्रोडिप देख सकते हो, ये हाइड्रोडिप सिर्फ ये पोर्शन अभी खराब हुआ क्योंकि हमने ये नहीं किया था, क्योंकि 2-3 दिन ये स्टेयरिंग खुला रहा था, हमने बेस मॉडल लगाया था तो हमें हॉर्न चाहिए था, तो उस चक्कर में हमारा ये चीज नहीं हो पाई। इन फ्यूचर हम ये भी इसका बहुत जल्दी कर देंगे। तो ये हमारा सारा स्टेयरिंग अभी ये देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग हुई है, स्टिचिंग हुई है इसकी, पूरा कटिंग वगैरह करके हाइड्रोडिप हुआ हुआ स्टेयरिंग किया सब। हाँ ये सारा सामान अभी, हाँ ये हमने दिल्ली से कराया था, तो ये जम्मू में अभी कोई करता नहीं है, तो जून जुलाई तक हमारा जम्मू में मैं हाइड्रोडिप ओपन कर रहा हूँ। अच्छा खुद कर रहे हो? हाँ खुद ओपन, जून जुलाई में हो जाएगा, जिसको भी जम्मू में चाहिए हो तो वो कर सकता है। तो ये स्टेयरिंग के बाद हम करते हैं अपना डैशबोर्ड की बात। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो ये पार्ट जो आता है ये भी हाइड्रोडिप है, हमारा स्टीरियो का फ्रेम हाइड्रोडिप है, कार्बन फाइबर हाइड्रोडिप है, ये हमारा लेदर लगा हुआ है, सिंपल लेदर, यहाँ पे लेदर लगा हुआ है, एम्बियंट लाइट भी लगी है, ये लेदर लगे हैं इसके, और इसके सन वाइजर है जो ये भी चेंज है जो कंपनी देती है उसका, यहाँ पे सिर्फ मिरर आता है कोई लाइट नहीं आती, बट इसका दोनों साइड ओपन करोगे दोनों साइड मिरर है, दोनों साइड लाइट आती है। ये भैया ने आफ्टर मार्केट बनवा के खुद स्पेशल गए, ये वेलवेट लगाया हुआ पूरे रूफ पे, और ये देखें रूफ बिल्कुल ब्लैक किया हुआ भैया ने, वेलवेट लगाया हुआ है, और रूफ पे आप एक एक छोटी छोटी चीज देख लो, ये छोटे छोटे लॉक है, ये सारे हाइड्रोडिप हुए हैं, हैंडल से लेके छोटे बटन, फ्रंट मिरर, फ्रंट लाइट, सारे हाइड्रोडिप हुआ है, सब कुछ हाइड्रोडिप है। आप जहाँ पे भी नजर डालोगे, यहाँ पे गियर बॉक्स के बाद डालोगे, ये भी हाइड्रोडिप, ये सारा सामान खोलना पड़ता है, ये सारा खोल के आपका हाइड्रोडिप होता है, इसको 2-3 दिन लगते हैं सूखने में, सारा तैयार होने में, हाइड्रोडिप हुआ है सारा। तो ये RPM मीटर है क्या? ये RPM मीटर है, ये आपका रेस से लगाया आपने? हाँ ये रेस के साथ चलेगा, कोई वायर कटिंग नहीं है, ये अभी एग्जॉस्ट ऑफ है, और इसकी आप स्क्रीन चेंज कर सकते हो, अभी एग्जॉस्ट ऑफ है फिर भी इतनी प्यारी आवाज है इसकी। हाँ क्योंकि इसमें फुल किट है, वो मैं आपको इंजन खोल के बताता हूँ कि क्या क्या उसमें सिस्टम हुआ है। वैसे एग्जॉस्ट का हुआ कि हमारे हेडर से लेकर स्ट्रेट पाइप होके कोई रेजोनेटर वगैरह नहीं, कंपनी हमारे 3 रेजोनेटर देती है, अगर पाइप में रखा है डी कार्ड होता है फ्रंट में, सेंटर रेजोनेटर होता है, एंड में मफलर होता है, तो हमारा मफलर लगा एंड में वेल्वेट्रॉनिक, उसके बाद हमारी स्ट्रेट पाइप है, हेडर परफॉर्मेंस हुआ, मतलब रेसिंग टाइप के जो हेडर आते हैं वो तैयार हुए हैं इसके स्पोर्ट्स में। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा कैमरा लगा है, व्लॉगिंग के लिए हमने कैमरा लगाया था आगे, और इसमें बैक कैमरा भी है, हमारी लाइट्स लगी हैं ये ऑन ऑफ वाली, इसमें वाइल्ड लाइट भी जगती है, ये वाइल्ड लाइट ब्लिंकर कर रहे हैं, ये रेड ब्लू चल रहे हैं, इस साइड रेड उस साइड ब्लू चल रहा है, ब्लिंक थोड़ी लुक के लिए हमने थोड़ा किया हुआ है। तो ये गाड़ी आपने देखी भी होगी काफी टाइम हाईवे पे चलती है, तो काफी प्यारी मतलब अट्रैक्शन लेती है गाड़ी। तो इसमें आपने साउंड में क्या क्या चेंजेस किए? मतलब साउंड में हमारा इसमें म्यूजिक सिस्टम हुआ है, फाइनल लगा है ये कुंजा नब्बे मैंने पहले लगाया था, कुंजा नब्बे लगा हुआ है। ओके। और उसके बाद हमारा इसका लगा है रॉकफोर्ड का एम्प लगा है प्राइम सीरीज का, वो आपको मिल जाएगा नॉर्मल, अभी मैक्सिमम लोगों ने डाला हुआ है, बट जो इसके कंपोनेंट और जो स्पीकर्स लगे हैं पावर सीरीज के कंपोनेंट है, पावर सीरीज के कोएक्सियल्स लगे हैं रॉकफोर्ड के, इसके सिर्फ ये
डोर्स के चार स्पीकर और दो ट्विटर, ये अराउंड होंगे कोई 50 से 60,000 के। 50 से 60,000 के, और जे एंड के में सबसे पहले इसी गाड़ी में लगे थे और अभी तक किसी गाड़ी में वापस नहीं। तो इसकी आपको हम साउंड भी बताएंगे। तो ये भैया ने गियर नॉब कुछ इस तरीके से स्कल लगाए हुए है, और यहाँ पे एक ये बॉक्स रखे की मतलब यहाँ पे सामान गिर जाता है तो यहाँ पे सामान रखने के लिए आम रहे। इसकी प्रॉपर स्विफ्ट की लगी हुई है, सामान आप बीच में रख सकते हो। उसका सीट कवर वगैरह डले हैं, और जो इसके मैट्स डले हैं ये प्लास्टिक के डले हैं, कोई कपड़े के नहीं है। मैट्स की आके फटेंगे कुछ होंगे, आप इसको वैक्यूम मारो पॉलिश मारो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नीचे भी आपने एम्बियंस, हाँ ये एम्बियंस लाइट 9 सेट वही लगी है, 4 डोर्स, एक डैशबोर्ड और 4 पांव में आप ऐप कंट्रोल है, ये रिमोट कंट्रोल नहीं आती। मोबाइल से आप कलर चेंज करोगे आपकी सारी लाइटें इंटीरियर की चेंज हो जाएंगी। करते हैं इसके इंजन की बात। इसमें भी भैया ने काफी ज्यादा चेंजेस की हुई है, तो इसके बारे में भी पता कर लेते हैं क्या क्या हुआ है भैया बताना मुझे। तो इंजन में सबसे पहले आपको मिलेगा इंजन कोटिंग हुआ वो पूरा, अभी थोड़ा डस्ट वगैरह 11 दिन के बाद गाड़ी निकाली है स्टार्ट किया। अच्छा, हमारा कोनिकल HPI का फिल्टर लग रहा है, वो फिल्टर लगाया इसलिए कि एयर इंटैक इसका ठीक लगे, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स इसके हेडर लगे हैं, परफॉर्मेंस हेडर तैयार हुए हैं, एग्जॉस्ट लगा हेडर के बाद खुद चेंज कराए बाद चेंज हुए हैं, स्ट्रेट पाइप करके मफलर लगा ऑन ऑफ वाला। Okay. उसके बाद लाइट का आप देखते हो, लाइट इतनी चेंज है पर वायरिंग आपको कोई नहीं दिखेगी एक्स्ट्रा, मतलब सिर्फ कपलर लगाया। इसमें Big 3 वो हुआ है, डबल चार्ज बैटरी को दिया, ये 0 गेज की वायरिंग है, अल्टरनेटर से सीधी तार आ रही है, और ये एक वायर जा रही है सीट के नीचे, 100 एम्पीयर की बैटरी है, ऑडियो सिस्टम के लिए लाइटिंग के लिए। अच्छा भैया ने एक अलग बैटरी भी लगाई, इसकी पावर कम ना पड़े गाड़ी की पावर के लिए। ये तो बहुत सही किया। और इसकी जो लाइटें हैं ये DRL ऐप कंट्रोल है, ऐप से ही कंट्रोल होती है। ये अंदर प्रोजेक्टर में भी जग रहे हैं, अंदर भी जग रहे हैं, और ये BMW कंसेप्ट था हमारा, इस साइड अलग कलर उस साइड अलग कलर आप रख सकते हो, दोनों सेम नहीं रख सकते, अलग अलग भी रख सकते। बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट सुनाएंगे इसका। तो इस टाइम एग्जॉस्ट बंद है, तो इस टाइम आपके साउंड सुन लें और फिर एग्जॉस्ट ऑन करके भी आवाज सुनेंगे। बंद है भाई साहब, क्योंकि सिर्फ आपको फिल्टर की आवाज आएगी जब रेस देते हो आप, एक्सीलेटर देते हो। यार फिर आ गया इस गाड़ी पे भाई। अब भैया ऑन करने वाले हैं एग्जॉस्ट, बटन से ही ऑन होता है, ऑफ है, ये ऑन हो गया, ऑन हो गया। अब देख, अब साउंड सुनाते हैं इसकी। कुछ साउंड भैया, मैं तो फैन हो गया भाई इस गाड़ी का, मतलब यार इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन की हुई भाई साहब ने, मतलब जो मतलब चाहते थे ना वो सब किया हुआ इस गाड़ी में। भैया फोन से कंट्रोल कर रहे हैं ये लाइट्स के जितने भी कंट्रोल हैं, भैया फोन से कर रहे हैं, और इस साइड अलग होगा और उस साइड अलग होगा। नहीं अभी सेम है क्योंकि अच्छा, दोनों कनेक्ट हैं। ठीक ठीक, आप ब्लूटूथ तो अलग अलग कनेक्ट करके आप अलग अलग सकते हो, मैंने मैक्सिमम रेड और ब्लू ऑन रखी होती है। ओके, तो भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरे लिए काफी ज्यादा टाइम निकाला, क्योंकि गाड़ी 11 दिन से अंदर थी, भैया ने आज मेरे लिए स्पेशल गाड़ी बाहर निकाली और हमें टाइम दिया। तो आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो